हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्री एआई टूल यूज करके एचडी थंबनेल कुछ इस प्रकार का बनाना चाहते हो? यदि आपका जवाब हाँ है तो भाई आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में गाइड करेंगे भाई आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। इस वीडियो में तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन चौथे नंबर में जो मैं बताऊंगा उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही जो है जो आपके थंबनेल में चार चांद लगाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत नंबर पहले से करते हैं। डाउनलोड योर ऑल थिंग जो आपको थंबनेल बनाने के वक्त जरूरी पड़ेंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको चलना है क्रोम में, एंड वहाँ पर जाने के बाद आपको लेक्सिका आर्ट सर्च करना है, और जो पहले नंबर पर वेबसाइट आती है उसको ओपन करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपको चाहिए वो सर्च कर लेना और है, डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर बहुत रिसर्च किया तो मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया, तो मैं इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। और मैंने उस पर और समय दिया तो मुझे एक और इमेज अच्छा लगा, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब बारी है नंबर दूसरे की, जो कि है आप अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है गूगल पर, एंड गूगल पर सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर, और जो पहले नंबर पर वेबसाइट आती है उसको ओपन करना है, एंड यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपना फोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड होने के तुरंत बाद आपके इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर ऊपर में ब्लू कलर का डाउनलोड बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है है। दोस्तों, अब बारी है नंबर तीसरे की, जो कि है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब का यूज करते ही आपका थंबनेल बहुत अच्छा बनेगा, अगर आप इसमें थोड़ी भी ट्यूटोरियल जानते हो तो। चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन आपको ध्यान रहे सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, एंड यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर ग्रेडियंट पर क्लिक करके आपको अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने अपना कलर सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड आपको फ्रॉम गैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे, यहाँ से आपको अपना एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है जो आपने एआई की मदद से डाउनलोड करी है। मैं फिलहाल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे छोटा करके एक साइड में रख दूंगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे इमेज को भी लाना है। अब यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक टेक्स्ट को लेना है, और इस प्रकार से इस पर डबल टैप करके मतलब इसमें कुछ ऐड करना है जो आपको लिखना है। मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, और अब ओके पर क्लिक करूँगा, और मैं इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बीच में एडजस्ट करूँगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली स्टाइल पर क्लिक करके इस बोल्ड वाले को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके पेन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर देना है, तो आपका डबल हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे, और यहाँ पर नीचे में जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कलर सेलेक्ट करेंगे उसी टेक्स्ट का मतलब कलर चेंज हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी अलग अलग टेक्स्ट में अलग कलर डाल सकते हो। फिलहाल मैं भाई सबको प्रॉपर एडजस्ट कर लेता हूँ, और आपको अब फाइनल स्टेप चौथा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, एंड एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके हाई क्वालिटी पर क्लिक करना है, तब आपका जो थंबनेल है वो हाई क्वालिटी में एक्सपर्ट होगा भाई। यही चौथा इम्पोर्टेंट ट्रिक था कि आप अपने थंबनेल को अच्छी क्वालिटी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो पिक्सल लैब से। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसको जूम भी जितना भी कर देता हूँ एक जरा सा भी नहीं फटता है भाई। आप इस प्रकार का इमेज बनाएंगे मतलब थंबनेल, तो आपका वीडियो बहुत जल्द वायरल होगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।